नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं कंप्यूटर की जीके के 50 क्वेश्चंस को कवर करने जा रहा हूं, क्योंकि आजकल लगभग हर एग्ज़ाम में कंप्यूटर से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रैम की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म याद रखें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि रैम पर ही डिपेंड करता है कि कंप्यूटर कितना फास्ट काम करेगा और कितना एफिशिएंटली काम करेगा। हालांकि प्रोसेसर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इस बात को डिसाइड करने के लिए कि कंप्यूटर कितना एफिशिएंटली काम करेगा, लेकिन रैम जितनी बड़ी होगी उतना ही ज़्यादा बढ़िया काम कंप्यूटर करेगा, क्योंकि रैम जो होता है वो वर्क स्पेस होता है कंप्यूटर का, जहाँ पर कंप्यूटर में सारे काम किए जाते हैं जिस जगह पर। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम रोम की फुल फॉर्म क्या है? तो रोम की जो फुल फॉर्म है वो है रीड ओनली मेमोरी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेमोरी होती है रोम। रोम को हम केवल रीड कर सकता है कंप्यूटर, इसमें कोई भी चीज़ हम राइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि रोम के अंदर वो सारे प्रोग्राम होते हैं जो कि कंप्यूटर को चलाने के लिए बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम और रोम में से कौन सी मेमोरी अस्थाई यानी वॉलेटाइल होती है? तो ये जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है वो रैम होती है, ये याद रखें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ये वॉलेटाइल का मतलब ये है कि जब भी हम कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो जितना भी वो काम होता है वो रैम के अंदर होता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रैम जो है वो वर्क स्पेस है कंप्यूटर का, और जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑफ़ कर देते हैं वो सारा डाटा जो कि काम हो रहा होता है कंप्यूटर के अंदर, वो सारा डाटा रैम के अंदर जितना भी होता है वो डिलीट हो जाता है, रैम में से रैम खाली हो जाती है। हम अगर दोबारा कंप्यूटर को ऑन करें तो हम वो पता नहीं लगा सकते कि हम क्या काम कर रहे थे रैम के अंदर। ठीक है जी, तो इसमें सारा डाटा रैम के अंदर डिलीट हो जाता है, जबकि रोम है जो वो इसका स्थायी डाटा होता है, इसको हम कभी भी कंप्यूटर को बंद करें चाहे जितनी बार मर्जी ऑन करें जितनी बार मर्जी बंद करें, वो रोम का डाटा कभी भी डिलीट नहीं होता है, जबकि रैम के अंदर है जो कि प्रेजेंटली काम किया जा रहा है वो डिलीट हो जाता है। हम जो फाइल सेव करते हैं वो अलग जगह हार्ड ड्राइव में सेव होती है, लेकिन जो रैम का डाटा है वो डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडम क्या काम करता है? मॉडम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, मॉडम करता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। ठीक है जी, ये दो चीज़ों से बना है, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। असल में कंप्यूटर और टेलीफोन की जो वायर है उनके बीच में मॉडम लगा होता है। ठीक है जी, मॉडम करता क्या काम है? जैसे ही कंप्यूटर है जो ये डिजिटल सिग्नल जनरेट करता है, हमेशा डिजिटल सिग्नल जो है वो जो टेलीफोन की तार है उसमें ट्रैवल नहीं कर सकते। अब मान लो इंटरनेट का किसी को इस्तेमाल करना है तो कंप्यूटर तो जो है वो जीरो और वन की फॉर्म में बाइनरी फॉर्म में डिजिटल सिग्नल जनरेट करेगा, लेकिन ये ट्रैवल नहीं कर पाएंगे टेलीफोन की तार में। अब टेलीफोन की तार में ट्रैवल करवाने के लिए इनको कन्वर्ट करना पड़ता है एनालॉग सिग्नल में। ठीक है जी, अब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो यहाँ पर मॉडम जो लगा होगा वो इस कंप्यूटर के सिग्नल को डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करेगा पहले एनालॉग सिग्नल में, और ये एनालॉग सिग्नल ट्रैवल करते हुए जाएंगे टेलीफोन की तार से दूसरी जगह पर। अब दूसरी जगह पर भी एक मॉडम लगा होगा और ये मॉडम इन एनालॉग सिग्नल्स को रिसीव करके डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और दूसरे कंप्यूटर को ये भेज देगा और दूसरा कंप्यूटर उन सिग्नल्स को समझ लेगा। ठीक है जी, तो ये काम करता है मॉडम, ये बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कंप्यूटर का पितामह कहा गया है? ये हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो हैं इनको कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका नाम है सिद्धार्थ। जो भारत में सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम था सिद्धार्थ, ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ का निर्माण किसने किया है? जो सिद्धार्थ का निर्माण किया है ये किया है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है जी, ये हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है? ये हैं टिम बर्न्स ली, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखें, वर्ल्ड वाइड वेब के जो आविष्कारक हैं वो टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनुपम नामक सुपर कंप्यूटर का विकास किसने किया है? तो ये है बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है जी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने अनुपम नामक जो सुपर कंप्यूटर है ये, ठीक है जी, सुपर कंप्यूटर इसका विकास बार्क ने किया है। हालांकि और भी कई सुपर कंप्यूटर हैं भारत में, जैसे परम है, ठीक है जी, परम 10,000 है, परम 8,000 है, उनका विकास किया है सी डेक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ये CPU को कहा जाता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में दो यूनिट होते हैं, कंट्रोल यूनिट प्लस अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट जो है ये जो भी अर्थमैटिक से संबंधित चीज़ें हैं, ठीक है जी, प्लस माइनस कौन सी चीज़ बड़ी छोटी है ना,
वो डिसाइड करता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और कंट्रोल यूनिट पूरे कंप्यूटर का सारा काम देखता है, उसको को कंट्रोल करता है सारे कंप्यूटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? यह है 10,024 बाइट। ठीक है जी, अब अगर 1 किलोबाइट की जब भी हम बात करते हैं तो ये याद रखिए आप, 10,024 जब भी किलो जुड़ जाएगा कंप्यूटर की इसमें बाइट में, ठीक है, गीगाबाइट हो मेगाबाइट हो, तो वो सारा होगा 10,024। अब किलोबाइट में 10,024 बाइट होंगे, ठीक है जी। लेकिन अगर हम दूसरे यूनिट्स की बात करते हैं जैसे 1 किलोग्राम या 1 लीटर, ठीक है, तो वहाँ पर 1 किलोग्राम है अगर, तो उसमें 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है जी। लेकिन जब हम बाइट्स की बात करते हैं तो इसमें 1000 नहीं होता, इसमें होते हैं 1024। तो ये कन्फ्यूज़ ना हो, हमेशा 1024 की क्रम में ही ये बढ़ेगा किलो जब भी बाइट जुड़ जाएंगे। तो 1 किलोबाइट में अगर बाइट की बात करें तो 1024 बाइट होंगे। अगर हम मेगावाट की करें कि 1 मेगावाट में कितने किलोबाइट होंगे, कितने किलोबाइट होंगे, तो 1 मेगाबाइट में कितने हो जाएंगे, 1024 किलोबाइट, ठीक है जी। तो ये 1024 के क्रम में बढ़ेगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है 1 बिट, ठीक है जी। 1 बिट में, 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? ठीक है जी, अगर 1 बाइट की बात करें, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 8 बिट होते हैं, ठीक है जी। जो बिट होता है, बिट 0 या 1 की फॉर्म में होता है, ठीक है, या तो ये 0 होगा या 1 होगा। 1 निब्बल में कितने बिट होते हैं? एक मेमोरी का यूनिट ये भी है निब्बल, निब्बल में होते हैं 4 बिट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बग क्या होता है? बग होता है त्रुटि, अगर प्रोग्राम के अंदर कोई त्रुटि रह जाए तो उसको बोलते हैं कि कंप्यूटर में बग आ गया है, ठीक है जी। तो उसको प्रोग्रामर दोबारा से ठीक कर सकते हैं नए सिरे से प्रोग्राम में एडिटिंग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा को संग्रह या गणना करने के लिए किस संख्या पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 का ही प्रयोग किया जाता है केवल, ठीक है जी। तो जितना भी डाटा कंप्यूटर में बनाया जाएगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये कंप्यूटर के अंदर 0 और 1 की फॉर्म में ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ऐसे हो सकता है कोई भी चीज़ 0, 1, 1, 0, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रोजन हॉर्स क्या है? ये कंप्यूटर वायरस है ट्रोजन हॉर्स, ठीक है जी। ट्रोजन हॉर्स, ये ट्रॉय की स्टोरी सभी ने सुन रखी होगी, ठीक है। ट्रॉय में एक लकड़ी का घोड़ा होता है, उसके अंदर सैनिक छुप जाते हैं और छुपकर रात को जब दुश्मन सो जाता है तो वो अचानक से हमला करते हैं। इसी तरह से ट्रोजन हॉर्स भी, जो ये वायरस है, ये भी कंप्यूटर के बैक साइड में बैठा रहता है चुपचाप से, और कंप्यूटर के यूज़र को पता भी नहीं चलता कि उसके अंदर कोई वायरस है, और वो अपना काम जो भी करना है वो चुपचाप बैठ के करता रहता है वहाँ पीछे बैठकर बैकग्राउंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को ऑन करने पर कंप्यूटर के प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क तथा अन्य हार्डवेयर की पहचान कर उन्हें कॉन्फ़िगर करने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? यह है बायोस, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, डिवाइस नहीं है सिस्टम, ठीक है जी। ये सिस्टम है बेसिक बायोस। बायोस जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बायोस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि पहले से ही कंप्यूटर में इंस्टॉल रहता है। ये देखता है कि कंप्यूटर के सारे जो हार्डवेयर है, सारे पार्ट्स हैं, वो ठीक काम कर रहे हैं, ठीक है जी। पोस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? पोस्ट होता है, इसकी फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बायोस का ही हिस्सा है, बायोस यानी कि पोस्ट का ही हिस्सा है, ठीक है, उसी में होता है बायोस भी। तो पोस्ट ऑन सेल्फ टेस्ट में भी यही देखा जाता है, सारे की सारे जितने भी हार्डवेयर हैं, जितने भी पुर्जे हैं कंप्यूटर के, वो सारे सही काम कर रहे हैं या नहीं। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वहीं पर कंप्यूटर जैसे ही हम ऑन करते हैं तो पोस्ट में ये बता देता है कि कौन सा पार्ट ठीक काम नहीं कर रहा है कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को जोड़ने, प्रबंधन और नियंत्रित करने का कार्य करता है ताकि अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना कार्य पूर्ण कर सकें, क्या कहलाता है? यह है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। कंप्यूटर का जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये बाकी के जो छोटे मोटे सॉफ्टवेयर हैं उनको आपस में जोड़ता है, उनकी मैनेजमेंट करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है जी, ताकि बाकी के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनका काम किया जा सके। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर है, जो कि जिस कंप्यूटर का पूरा काम संचालित करता है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। जबकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो स्पेसिफिक किसी काम के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कोई कैलकुलेशन करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना लिया, ठीक है जी, कुछ किसी भी और एप्लीकेशन को रन करने के लिए कोई एप्लीकेशन छोटे मोटे बना लिया है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का छोटा काम होता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का सिस्टम चलाने के लिए काम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारा कंप्यूटर के अंदर, वो किस तरह का है? वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरे कंप्यूटर को चलाता है, उसमें जितने भी प्रोग्राम्स होंगे वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ही चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर तथा मॉनिटर किस तरह के डिवाइस हैं? प्रिंटर तथा मॉनिटर की अगर बात करें, ये आउटपुट डिवाइस हैं, ठीक है जी, क्योंकि प्रिंटर में हमें क्या है, जो भी हम प्रिंट की कमांड देके जो भी प्रिंट आउट हम लेंगे वो क्या है, हमें आउटपुट मिलेगा कुछ, ठीक है। इसी तरह से मॉनिटर भी पर भी हमें कुछ ना कुछ, जो हम प्रोसेस किया, कोई एडिशन किया, कोई भी सब्सट्रैक्शन किया, कुछ लिखा, वो हमें डिस्प्ले होके दिखता है मॉनिटर के ऊपर आउटपुट के रूप में, तो इसलिए ये मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस, कीबोर्ड तथा जॉयस्टिक किस तरह के डिवाइस हैं? ये इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है जी। माउस के साथ हम क्लिक कर सकते हैं किसी चीज़ पर, मतलब कि डायरेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। और कीबोर्ड से हम कुछ भी नंबर एंटर कर सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट एंटर कर सकते हैं, ठीक है। जॉयस्टिक से भी हम पॉइंटर को इधर से उधर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या डिवाइस हो गए, इनपुट डिवाइस, किसी न किसी तरह की डायरेक्शन देते हैं, ये निर्देश देते हैं कंप्यूटर में, ठीक है जी। तो ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल, शिफ्ट तथा ऑल्ट की को क्या कहते हैं? इनको मॉडिफायर की कहते हैं, ठीक है जी। ये तीन की को ये याद रखें, कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट की को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती हैं? कीबोर्ड में 12 फंक्शन की होती हैं और ये F1 से F12 तक होती हैं, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस के दो बटनों के बीच बने व्हील का क्या काम होता है? ठीक है जी, जो माउस होता है वो इस तरह से होता है, माउस बना हुआ, उसके बीच में यहाँ पर एक व्हील बना होता है और इसके एक लेफ्ट बटन होता है, इसका एक राइट क्लिक होता है, ठीक है जी। तो ये जो व्हील होता है इसका क्या काम होता है? इसका व्हील होता है स्क्रॉल करने के लिए, अगर पेज को ऊपर नीचे लेके जाना है कहीं भी, तो इसको हम आगे पीछे स्क्रॉल करते हैं तो पेज पर ऊपर नीचे जा सकते हैं। डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर तथा ड्रम प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर के उदाहरण हैं? ये है इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है जी। ये डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर या ड्रम प्रिंटर, ये अब पुराने हो चुके हैं, अब यूज़ नहीं होते वैसे ये प्रिंटर, पर फिर भी आप याद रखें कि इस तरह के प्रिंटर जो हैं इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, ठीक है जी। इम्पैक्ट प्रिंटर टाइप किस्म के प्रिंटर हैं ये, असल में इम्पैक्ट प्रिंटर आपने सभी ने वो देखा होगा, टाइपराइटर जिस तरह से इम्पैक्ट कर करके अक्षर लिखता है, उस तरह से ये भी उसी प्रिंसिपल पर काम करते थे, ठीक है जी, लेकिन अब ये इस्तेमाल में नहीं है। नेक्स्ट है, इंजेक्ट, थर्मल तथा लेज़र प्रिंटर किस तरह के प्रिंटर के उदाहरण हैं? ठीक है जी, इन्हें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है, इंजेक्ट प्रिंटर है जो भी, या थर्मल या लेज़र प्रिंटर है, ये आजकल यूज़ किए जाते हैं अलग अलग काम के लिए, तो इन्हें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GUI की फुल फॉर्म क्या है? GUI, ठीक है जी, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है जी। ये हमें आजकल आप देखेंगे कहीं पर भी कंप्यूटर पर लिखने की बजाय साइंस दिखाए होते हैं, ठीक है जी, किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो आप उस साइन पर क्लिक करते हैं तो वो काम हो जाता है, मान लो एंटर का साइन होगा, ठीक है जी, तो आप उस पर एंटर पर क्लिक करोगे तो आपका एंटर हो जाएगा। अगर बस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर बस के रूट दिखा देगा आपको, जो भी सॉफ्टवेयर होगा, तो इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब लिखने की बजाय क्या है, ग्राफिक्स के माध्यम से ही दिखा दिया जाता है कि क्या चीज़ है, और उसको यूज़र उस इंटरफेस पर क्लिक करके अपना काम कर सकता है, तो GUI ये याद रखें। कंप्यूटर सिस्टम के पुर्जे जिन्हें आप छू सकते हैं क्या कहलाते हैं? इनको हार्डवेयर कहते हैं, जितने भी पुर्जों को आप छू सकते हैं, और कंप्यूटर के वो हिस्से जिनको आप नहीं छू सकते हैं, मतलब जो कि कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर होते हैं, उनको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाला डॉक्यूमेंट किस तरह की कॉपी होता है? ये सॉफ्ट कॉपी होता है, क्योंकि इसको हम छू नहीं सकते, जो भी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होता है मॉनिटर के ऊपर, ठीक है जी, इसलिए इसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। लेकिन जब उसका प्रिंट आउट निकल जाता है उसको हम छू सकते हैं, इसलिए उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विंडोज़ के लिए MS ऑफिस का प्रथम संस्करण कब लाया गया था? यह है 1990 में, ठीक है जी। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने MS ऑफिस का प्रथम संस्करण जो लेकर आए थे, ये 1990। MS ऑफिस में क्या क्या था? MS वर्ड, जिस पर हम टाइप करते हैं, कुछ भी अक्षर लिखते हैं, ठीक है जी। MS इसमें आपका आ जाता है पावर पॉइंट आ जाता है, ठीक है जी, एक्सेल आ जाता है, MS एक्सेल, तो ये चीज़ें आ जाती हैं MS ऑफिस में। ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया था 1990 में MS ऑफिस। नेक्स्ट है, अंतिम कमांड को हटाकर उसे पहला जैसा करने के लिए अंडू का प्रयोग किया जाता है, अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है? ठीक है जी, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl Z, एक अंडू का बटन बना होता है, वहाँ पर
कंप्यूटर के ऊपर जब भी आप कुछ काम कर रहे हैं, इस तरह से कुछ एरो भी बना होगा, ठीक है जी। उस पर जब जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो वो जो भी हमने काम गलत टाइप कर दिया मान लो, तो जैसे ही हम अंडू पर क्लिक करेंगे तो वो अंडू हो जाएगा, वो पिछले जैसा हो जाएगा सारा डॉक्यूमेंट, ठीक है जी। और इसको हम इस तरह के साइन पर क्लिक करने की बजाय कंट्रोल प्लस जेड भी एंटर कर सकते हैं, तब भी अंडू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीडू के लिए निष्क्रिय की गई क्रिया को वापस लाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, ठीक है जी। ये है कंट्रोल वाई। अगर हमें लगता है कि हमने अंडू कर दिया है किसी चीज़ को, वो गलत किया है, हमें उसको रीडू करना है, तो हम दोबारा से रीडू पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर कंट्रोल प्लस वाई भी प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। जब भी हमने कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो उसका प्रीव्यू देख सकते हैं हम प्रिंट लेने से पहले, कि किस तरह से वो डॉक्यूमेंट दिख रहा है, किस तरह का प्रिंट हमें प्राप्त होगा। तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए हम कंट्रोल प्लस F2 शॉर्टकट की भी देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि ऑप्शन भी आ जाती है जब हम प्रिंट लेने के लिए कंट्रोल P दबाते हैं, तो वहाँ भी ऑप्शन आ जाती हैं, लेकिन ये शॉर्टकट की भी है कंट्रोल F2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेटिंग टूल बार में सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा फॉन्ट साइज़ क्या होता है। तो ये है 8 और 72, ठीक है जी। फॉन्ट साइज़ है मतलब कि अक्षर जो ये आप देख रहे हैं इनका साइज़ कितना होगा, बड़ा होगा या छोटा। जो सबसे छोटा साइज़ होगा उसका जो यूनिट होगा 8 साइज़ होगा उसका फॉन्ट, और जो सबसे बड़ा होगा उसका 72 हो सकता है। इससे ना तो ज़्यादा हो सकता है 72 से फॉन्ट साइज़, ना ही 8 से कम हो सकता है फॉन्ट साइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F12 का प्रयोग किस डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किया जाता है, ठीक है जी। ये है सेव एज। सेव एज की ऑप्शन के लिए हम F12 को दबा सकते हैं, तो सेव एज आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कट तथा पेस्ट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। जो भी आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है MS वर्ड में, तो उसको अगर आपको कट करना है वहाँ से, पूरे को उठाना है, मान लीजिए इसको पूरे को उठाना है, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल और X दबा दीजिए, ठीक है। और इसको मान लो यहाँ पर पेस्ट करना है, तो यहाँ पर कर्सर ले जाके कंट्रोल प्लस B दबा दो, तो यहाँ पर ये वाला सारा पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है तथा इसकी शॉर्टकट की क्या है। सुपर स्क्रिप्ट वर्ड आप सुनेंगे कई बार, ठीक है जी। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, छोटे साइज़ का कैरेक्टर जिसे बेसलाइन से थोड़ा ऊपर लिखा जाए, उसे हम सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है जी। इसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड इक्वल। ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल की दबाएंगे, शिफ्ट की दबाएंगे, प्लस का साइन दबाएंगे और इक्वल का साइन, ये चार की हम इकट्ठी दबाएंगे तो हमारा हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट बन जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट को आप यहाँ पर एग्जांपल भी, ये देखिए X^2 है, जो यहाँ पर 2 लिखा गया है, 2 लिखा गया है, ये जो है सुपर स्क्रिप्ट है 2, ठीक है जी। तो इस तरह से अगर किसी के ऊपर लिखना है हमने कुछ, तो उसको हम सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, और इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो ये है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में टेक्स्ट को बाएं तथा दाएं दोनों ओर सम्मान करने के लिए किस अलाइनमेंट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है जी। ये जस्टिफाइड, जस्टिफाइड ये कंट्रोल प्लस जे दबाने पर भी हमें डॉक्यूमेंट में ये चीज़ प्राप्त हो जाती है, ठीक है जी। जस्टिफाई करना हो, अगर हमें लगता है कि डॉक्यूमेंट के अंदर लेफ़्ट साइड और राइट साइड सारी और बराबर आ जाएं ये, ठीक है। जैसे यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हो कि ये बराबर नहीं है, यहाँ पर ये यहीं पर रह जाता है और यहाँ पर आगे चला गया, यहाँ थोड़ा और आगे है। अगर आप चाहते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आना सारे को, तो इसको सिलेक्ट करके, सारे को सिलेक्ट करके, ठीक है जी, कंट्रोल ए से, और इसको हम मैं कंट्रोल जे से जस्टिफाई कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। अगर पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है तो मैं दबाऊँगा कंट्रोल प्लस ए को, तो जितना भी डॉक्यूमेंट है, मान लो इस पूरे डॉक्यूमेंट को मैंने सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल प्लस ए दबाऊँगा, तो पूरे का पूरे 50 के 50 क्वेश्चन सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क तथा CD किस प्रकार की मेमोरी के उदाहरण हैं। यह है सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क और CD, ठीक है जी। इनको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कह देते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी होती है ये, और जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो है RAM और ROM, ये प्राइमरी मेमोरी है, जबकि बाकी की जो मेमोरी है हार्ड डिस्क, CD वगैरह, पेन ड्राइव, ये सारी है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है जी। क्योंकि जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, ये सेमीकंडक्टर की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RAM तथा ROM किस प्रकार की मेमोरी के उदाहरण हैं। RAM तथा ROM जो है प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण हैं, ठीक है जी, ये मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EEP ROM की फुल फॉर्म क्या है। EEP ROM की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पहले जो ROM आती थी उसमें हम
केवल रीड ही कर सकते थे, उस पर कुछ भी दोबारा लिख नहीं सकते थे। लेकिन अब रोम इस तरह की आ रही हैं जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिकली इरेज भी कर सकते हैं और दोबारा से प्रोग्राम भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकीज़ क्या कार्य करती हैं? कुकीज़ होती हैं, ठीक है जी, ये क्या है, यूज़र की जो वेब एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करके रखती हैं। आप कुकीज़ में जाके कंप्यूटर में देख सकते हैं कि जो उस कंप्यूटर पर व्यक्ति बैठा था उसने उस कंप्यूटर में क्या क्या काम किया था पहले, चाहे कंप्यूटर वो छोड़ के चला गया हो, अपना जो काम कर रहा था उसको बंद करके चला गया हो, फिर भी आप कुकीज़ में जाके देख सकते हैं कि उस व्यक्ति ने इंटरनेट पर क्या क्या काम किया था। अगर कुकीज़ ऑन होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए अगर कुकीज़ ऑफ है तब इस तरह का आप कुछ नहीं देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉगल की के कौन कौन से उदाहरण हैं? टॉगल की होती है, ये इसके कौन कौन से उदाहरण हैं, ये है कैप्स लॉक, नंबर लॉक तथा स्क्रॉल लॉक। ठीक है जी, ये क्या करती है टॉगल की, असल में टॉगल कर देती है, फंक्शन को चेंज कर देती है, एक फंक्शन को कुछ भी चेंज करना है। ठीक है, मान लो आपने कैप्स लॉक ऑन कर दिया तो ये क्या कर देगा कैप्स लॉक, अगर छोटे अक्षर लिखे जा रहे हैं ये यू है, ये बड़ा लिख देगा। मान लो ए छोटा लिखा जा रहा है, कैप्स लॉक आपने दबाया तो ये फंक्शन चेंज हो जाएगा, ये बड़ा लिखेगा। अब अगर बड़ा लिख रहा है तो पहले ऐसा लिख रहा था, आपने दोबारा फंक्शन की कैप्स लॉक को दबाया तो ये छोटा लिखना शुरू कर देगा। ठीक है जी, तो ये फंक्शन तो इनका फंक्शन चेंज कर देता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस विंडो का प्रथम संस्करण कब आया था? ठीक है जी, ये है 20 नवंबर 1985 को, ये है एमएस विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ठीक है जी, जो कि क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पहले ही मैंने बताया। ठीक है जी, ये याद रखें। तो ये जो है कौन सा सॉफ्टवेयर हो गया, एमएस विंडो सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ये इसका संस्करण आया था 1985 में। ठीक है जी, जबकि अगर एमएस ऑफिस की बात करें, जो मैंने आपको बताया कि एमएस वर्ड या पावर पॉइंट वगैरह या एक्सेल वगैरह है, वो कब आया था, वो 1990 में आया था। तो इस चीज़ में कन्फ्यूज़ ना हो आप, ध्यान रखें इसका। कंप्यूटर से डिलीट की गई फाइलें कहाँ रखी जाती हैं? कंप्यूटर से जो भी फाइलें डिलीट की जाती हैं वो रिसाइकिल बिन में जाती हैं पहले, और अगर आप रिसाइकिल बिन में से भी उनको डिलीट कर दें तो ये फाइल्स परमानेंटली डिलीट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में लाल रंग का लेखांकन क्या सूचित करता है? ये स्पेलिंग त्रुटि को। ठीक है जी, जैसे यहाँ भी अगर आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर से अंडरलाइन हुआ है, अगर इंग्लिश में कोई मैं लिख रहा हूँ, कोई भी टाइप कर रहा हूँ और वहाँ पर लाल रंग से अंडरलाइन हो जाता है कोई भी वर्ड, तो इसका मतलब है उस वर्ड में स्पेलिंग की कोई मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए किस कार्ड को लगाया जाता है? यह है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है जी, कंप्यूटर के अंदर अगर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं होगा तो कंप्यूटर में आप इंटरनेट नहीं चला सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के मैं और भी क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ कंप्यूटर के ऊपर, कंप्यूटर की जीके जहाँ कवर की जाएगी, तो उन सारे क्वेश्चंस को देखने के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।